हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में, जिसको हम इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। और एविएशन सेक्टर का एकमात्र और इकलौता ऐसा शेयर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं, चाहे वो आप मदरसन सोमी के बारे में बात करें, जो कि अब संवर्धन मदरसन के नाम से जाना जाता है, चाहे वो एबी कैपिटल के बारे में हो, एचडीएफसी एमसी के बारे में हो, या किसी भी और स्टॉक को आप उठा के देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रैली आई है। आईओसी भी अभी बहुत बढ़िया लग रहा है और आईओसी भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की बात करते हैं इंडिगो में क्या हुआ है। इंडिगो में एक तो ये जो लेवल था जो इसने छुआ था 24 मई को, इसका हाई था 4529, उसको आज काट के इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो एक ये छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम बन गया है, जो कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम है। और ये राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट आया है वो आया है किस लेवल पर, वो आया है ऑलमोस्ट 4529 के ऊपर। तो अगर बहुत ही छोटी सी पोजीशन लेनी है तो अभी आपको ये जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल मैंने बनाया हुआ है, ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है ये देखेंगे तो आप। और अब जब तक ये इस अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के रेजिस्टेंस वाले लेवल को नहीं छूता है, जो कि है ऑलमोस्ट 4700 को, तब तक ये एकदम बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। और इसमें आपको हो सकता है 5000 तक की रैली भी देखने को मिल जाए। तो इसमें अगर आपने की पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बनी रहेगा। स्टॉप लॉस का लगाना है, अगर आपने हाल फिलहाल में पोजीशन ली है तो फिर स्टॉप लॉस आपके लिए बन जाएगा 4529, जो कि अभी ब्रेकआउट आया है। और अगर आपने थोड़ी सी पुरानी पोजीशन है तो आपके लिए जो ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो जो ये लोएस्ट लेवल है, वो लोएस्ट लेवल कहाँ पर है और वही इसका 20 डे मा भी है, वो है 4237। तो ये दोनों ही कोइंसाइड कर रहे हैं, 4237 पर ही 20 डे मा भी है और 4237 पर ही इसका लोअर लेवल है। ये जो अपवर्ड चैनल है इसका लो लेवल देखेंगे तो यहाँ पर आता है कहीं पर, और वो है ऑलमोस्ट 4237। तो इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन है आपके पास। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट में एक और ध्यान रखेंगे तो जो RSI है वो भी 65 है, तो वहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पर भी आपको मोमेंटम क्लियर है, तो वो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं और बहुत पुराने समय से बुल रन में चल रहा है ये स्टॉक, तो आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रख सकते हैं। और इसमें हो सकता है जो मैजिकल नंबर है 10,000 वाला, वो इसमें आपको देखने को मिल जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, जल्दबाजी में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट उसी मोमेंटम को जारी रखे हुए है, और उस मोमेंटम में बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं आई है। हालांकि आप ये देख सकते हैं वीकली के चार्ट पर RSI 78 पहुंच चुका है, तो थोड़ी बहुत रैली बची है जो इसको हो सकता है ऊपर लेके जाए, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस ज़रूर होता है। और इसका जो खरीदने का बेस्ट टाइम है वो मैं एक बार बता देता हूँ, खरीदने का जो बेस्ट टाइम है किसी भी गिरावट में अगर मिल जाए 4237 के नज़दीक, जो कि इसका 20 डे मा भी है और जो इसका जो अपवर्ड ट्रेजिक्ट्री में चल रहा है इस पर्टिकुलर अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो लोएस्ट लेवल है 4237, उसके आसपास मिल जाए 4250 या 4300 के आसपास बिल्कुल ले लेना है और 4237 पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप 4237 के आसपास एंट्री बनाते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा 3982, जो कि इसका 50 डेमा है, तो उसको 50 डेमा को स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो रेड कैंडल बनी थी आपने देखा, इसमें भी 50 डेमा पर ही सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हो गया था। तो एंट्री लेवल्स पे अभी लेंगे तो आपको थोड़ा सा वॉलीटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, बट अगर 4237 के जितने नज़दीक मिल जाए वो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा इसको एंट्री करने की और स्लोली एंड स्टडीली इसको एक्यूमुलेट करने का। वीकली के चार्ट पर भी बिल्कुल क्लियर वही ट्रेंड दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एक ये बहुत ही ज़बरदस्त हैमर भी बना है और ये हैमर के बाद इस वीक में भी अच्छी खासी शुरुआत की है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। RSI मैंने बता दिया वीकली के चार्ट पर 78 का है, तो वहाँ पर भी कोई परेशानी अभी तो नहीं है हाल फिलहाल में, बट आने वाले टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशान करे, टाइम ले या जो भी आपको दिखे थोड़ा सा टाइम बिताए। अब मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं, तो मंथली के चार्ट पर थोड़ा सा ओवरबॉट चला गया है, RSI 85 पहुंच गया है, तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा रिट्रेस हो तो आपको बिल्कुल एंट्री करने का मौका मिलेगा। और इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 2974 जो है वो इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2974 है, तो वहाँ पर अगर बहुत ही लंबे समय से बने हैं 1000-1500 के आसपास अगर एंट्री ली थी तो फिर 2974 का स्टॉप लॉस एक लगा लीजिएगा, बहुत ही कायदे का स्टॉप लॉस होगा आप लोगों के लिए। इसे मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट जो जो मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर हो सकता है मैं भी इसे पोजीशन बनाऊँ तो बिल्कुल आने वाले समय में आपको दिख सकती है। बट हालांकि आज मैंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, एक तो मैंने दीपक नाइट्राइट निकाल दिया है बिकॉज पैसे की ज़रूरत थी, तो दीपक नाइट्राइट में पोजीशन
अभी मैंने बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर दी है, तो वहाँ पर मैं निकल गया हूँ, बजाज फाइनेंस में भी निकल गया हूँ। बिकॉज मैंने जैसे बताया पैसे की मेरे को ज़रूरत थी, तो पैसे की ज़रूरत की वजह से मैंने दो स्टॉक्स में स्क्वायर ऑफ की है अपनी पोजीशन। तो ये आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर हो जाता है, डिस्क्लेमर मैंने आपको इसके लिए बता दिया है। इंटरग्लोब में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं आगे आने वाले टाइम में पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।